वेलकम मित्रों, ऑयल एंड गैस रिफाइनरी शटडाउन मेंटेनेंस का चाहे कोई भी इंटरव्यू हो, हीट एक्सचेंजर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, चाहे आप किसी भी पोस्ट पर क्यों ना हो, क्योंकि रिफाइनरी में हीट एक्सचेंजर का बड़ा महत्व है। इसलिए मित्रों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग शटडाउन के अंदर हीट एक्सचेंजर का मेंटेनेंस कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एक हीट एक्सचेंजर का शटडाउन में मेंटेनेंस क्यों करते हैं। यह भी इंटरव्यू के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मित्रों, हीट एक्सचेंजर में सबसे बड़ी समस्या फॉलिंग की होती है, तो सबसे पहले इस फॉलिंग को देखना पड़ेगा कि आखिर ये फॉलिंग क्या है, क्योंकि इंटरव्यू में यह अधिकतर पूछा जाता है, व्हाट इज फॉलिंग। मित्रों, फॉलिंग इज द डिपॉजिटेड ऑफ सॉलिड मटेरियल इनसाइड द ट्यूब ट्रांसपोर्टेड बाय फ्लूइड और प्रेसिपिटेशन प्रोडक्ट सच एज लाइम स्टोन। दिस डॉकिंग ऑफ पाइप्स लीड्स टू रिड्यूस इन द हीट ट्रांसफर कोफिशियंट एंड इन कंक्लूजन इट वॉज परफॉर्मेंस ऑफ द हीट एक्सचेंजर इट्सेल्फ। अर्थात मित्रों, हीट एक्सचेंजर प्रोसेस के दौरान धीरे धीरे एक ठोस पदार्थ जमा होने लगता है, जैसे चूना पत्थर या अन्य तरल पदार्थ होते हैं, वे हीट एक्सचेंजर के ट्यूब्स में जमा होने लगते हैं, जिसे हम फॉलिंग कहते हैं। तो इस फॉलिंग से क्या नुकसान है? फॉलिंग के कारण हीट एक्सचेंजर की हीट ट्रांसफर क्षमता कम हो जाती है। मित्रों, फॉलिंग का मीनिंग गूगल सर्च करेंगे तो जवाब आएगा कूड़ा कचरा। अर्थात ट्यूब्स के अंदर बाहर जो ठोस पदार्थ जमा होता है वह एक प्रकार का कूड़ा कचरा ही तो है, जिसको इंग्लिश में फॉलिंग कहा जाता है। इस तरह मैं आशा करता हूँ कि आप सब फॉलिंग समझ गए होंगे। तो शटडाउन में हम लोग इसी फॉलिंग को हटाते हैं ताकि हीट एक्सचेंजर फिर से अच्छा से काम करने लगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हीट एक्सचेंजर के फॉलिंग को हटाने के लिए जिस प्रोसेस को हम लोग प्रयोग करते हैं उसी को हीट एक्सचेंजर का मेंटेनेंस कहा जाता है। तो चलें अब हम लोग मेंटेनेंस चालू करते हैं, लेकिन काम शुरू करने से पहले कुछ तैयारी करनी पड़ती है मित्रों, जैसे काम के हिसाब से वर्क परमिट की जरूरत पड़ती है, जरूरत के हिसाब से इसके फोल्डिंग की व्यवस्था करनी होती है, प्रॉपर टूल्स का भी अरेंजमेंट होना चाहिए। जहां तक मैन पावर का सवाल है तो मित्रों, कम से कम 4 टेक्नीशियन और कम से कम 2 रीगर होना ही चाहिए। मित्रों याद रखें, क्लाइंट इंटरव्यू में कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि एक हीट एक्सचेंजर का मेंटेनेंस करने के लिए कितने आदमी की जरूरत पड़ती है। सामान को इधर उधर करने के लिए एक फोर्क लिफ्ट होना चाहिए, ट्यूब बंडल को निकालने के लिए एक क्रेन के साथ बंडल पुलर की भी जरूरत पड़ती है, इसके साथ ही अपना पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होना चाहिए, जिसको हम लोग PPE कहते हैं। इतना होने के बाद अब हम काम शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले परमिट और ब्लाइंड लिस्ट के साथ हीट एक्सचेंजर के सभी इनलेट आउटलेट वाल्व्स को बंद करने के बाद उनको ब्लाइंडिंग भी कर दिया जाता है, जिसको पॉजिटिव आइसोलेशन कहा जाता है। इंटरव्यू में पूछा जाता है कि पॉजिटिव आइसोलेशन से
आप क्या समझते हैं? मित्रों, एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एक भी ब्लाइंडिंग नहीं छूटना चाहिए, नहीं तो कोई हजार्ड्स मटेरियल आकर काम करने वाले को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए ब्लाइंड लिस्ट के अनुसार दोबारा चेक कर लेना चाहिए कि कहीं कोई ब्लाइंड छूटा तो नहीं है। इसके बाद सभी ड्रेनेज और वेंट को ओपन कर देते हैं ताकि उसके द्वारा उसके अंदर के लिक्विड गैसें जो भी अंदर है बाहर निकल जाए। इसके बाद सेल कवर चैनल हेड के सभी नट बोल्ट्स को लूज कर देते हैं तथा 4 बोल्ट को छोड़कर बाकी सभी बोल्ट को निकाल देते हैं। ये 4 बोल्ट्स तब निकाले जाते हैं मित्रों जब चैनल हेड को निकालना होता है, पर स्थिति के हिसाब से चैनल हेड और सेल कवर को चैन ब्लॉक या क्रेन से निकाला जाता है। इसके बाद ट्यूब बंडल को निकाला जाता है। यदि चैन ब्लॉक से संभव हो तो ठीक है, नहीं तो बंडल पुलर जिसके साथ क्रेन होता है मित्रों से निकाला जाता है। ट्यूब बंडल को वर्कशॉप में भेज देते हैं जहां पर उसका क्लीनिंग का काम होता है। इस बंडल को हाई प्रेशर जेट के द्वारा क्लीनिंग किया जाता है। इस प्रक्रिया को हाइड्रोजेटिंग कहा जाता है। इसके लिए 3000 PSI से लेकर 15000 PSI या आवश्यकता के अनुसार से क्लीनिंग किया जाता है। बंडल को क्लीनिंग होने के बाद उसका इंस्पेक्शन भी करा लेना चाहिए मित्रों। जब तक बंडल क्लीनिंग होता है उसी दरमियान बाकी लोग सेल चैनल हेड सेल कवर गैसकेट एरिया को अच्छा से क्लीन कर देते हैं ताकि वर्कशॉप के समय किसी तरह लीकेज की गुंजाइश न रहे। मित्रों, अब बंडल को वर्कशॉप से लाकर सेल के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। वर्कशॉप करने से पहले हाइड्रो टेस्ट किया जाता है मित्रों ताकि लीकेज से बचा जा सके। हाइड्रो टेस्ट भी 3 प्रकार से किया जाता है, सेल टेस्ट, ट्यूब टेस्ट और फाइनल सेल टेस्ट। क्योंकि यह वीडियो लंबा ना हो इसके लिए इस वीडियो में हाइड्रो टेस्ट की चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। हाइड्रो टेस्ट वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहां जाकर हाइड्रो टेस्ट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। खुदा न खास्ता हाइड्रो टेस्ट के दौरान यदि दिए गए प्रेशर से प्रेशर यदि कुछ समय के बाद डाउन होने लगता है तो समझ लेना चाहिए कहीं ना कहीं लीकेज है। फिर इसको पता कर ठीक किया जाता है या अलग विषय है मित्रों। यदि फाइनल टेस्ट में कोई लीक ना हो तो अंत में वर्कशॉप कर देते हैं। वर्कशॉप के समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि गैसकेट सही होना चाहिए, नया होना चाहिए, स्टड्स क्लीन होना चाहिए और क्लीनिंग के बाद स्टड नट पर मॉलिकोट भी लगाना चाहिए। क्यूसी के देख रेख में वर्कशॉप कर देना चाहिए तथा उचित टर्किंग वैल्यूज के साथ टर्किंग करा देना चाहिए। मित्रों, अंत में अब बारी आती है डीप ब्लाइंडिंग की, अर्थात जहां जहां ब्लाइंडिंग किया गया था वहां के ब्लाइंड्स को निकाल दिया जाता है। इसी को डी ब्लाइंडिंग कहा जाता है। एक भी ब्लाइंडिंग नहीं छूटना चाहिए, नहीं तो बहुत भारी प्रॉब्लम हो जाएगा। दोबारा ब्लाइंड लिस्ट के अनुसार चेक कर लेना चाहिए कि कहीं कोई ब्लाइंड निकालना छूट तो नहीं गया है। तो इस प्रकार मित्रों शटडाउन में एक हीट एक्सचेंजर का मेंटेनेंस किया जाता है। अब बारी आती है टूल्स टेकल्स का। जितने भी टूल्स टेकल्स हैं उनको स्टोर में रवाना कर दिया जाता है और वर्क एरिया के इर्द गिर्द एक अच्छा हाउस कीपिंग कर दिया जाता है, क्योंकि यह एक अच्छे टेक्नीशियन की पहचान होती है मित्रों। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो जरूर फायदा पहुंचाएगी। ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।
बेस्ट ऑफ लक।